Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new understanding market behavior video. और बहुत सारे लर्निंग वीडियोस अभी हमें मिल चुके हैं और सब मैंने पोल किया कि आपको आज कौन सा लर्निंग वीडियो चाहिए, तो सबका था कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर वीडियो बनाओ क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है फॉर श्योर। आज मार्केट में क्या हुआ, ट्रेड्स कैसे लिए, कैसे मार्केट में क्या प्लान्स रहने चाहिए, तो सब कुछ इस सीरीज में सीखने मिलता है। सो आई नो आपको बहुत पसंद है सीरीज, तो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज मार्केट। आज हमने बैंक निफ्टी को अगर 15 मिनट पे जाकर देखोगे, आज हमने बैंक निफ्टी को देखा ही नहीं बिकॉज ऑप्शन सेलर के लिए बैंक निफ्टी में तो आज जन्नत देखने मिली गाइज। जस्ट इमेजिन अगर कहीं भी स्ट्रैंगल स्ट्रैडल इतना साइडवेज मार्केट एक्सपायरी पे बहुत बहुत रेयर है। आज बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स का ये बहुत बड़ा प्रॉफिट बना बैंक निफ्टी में। एक्सपायरी थी, पूरा साइडवेज था, तो एक भी कैंडल फुल बॉडी नहीं बनी, इंडिसिजन प्रीमियम डिके, तो ये तो बैंक निफ्टी तो आज ऑप्शन बायर के लिए कुछ था नहीं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है बहुत अच्छा बिहेव किया। निफ्टी का अगर हम चार्ट यहाँ पे निकालते हैं तो निफ्टी आज बहुत अच्छा बिहेव किया, इतनी वॉलेटिलिटी देखने मिली विच इज़ अगेन गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। लेकिन निफ्टी कुछ पैच में काम किया, मतलब पैच कौन सा पैच, सिर्फ निफ्टी में था एक 11:15 एंड एक ट्रेड था 2 बजे। अगर आप आज 11:15 या फिर 2 बजे मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन, अगर दोनों सेशन में एक एक ट्रेड मिला, तो अगर इस सिर्फ ये स्पेसिफिक टाइम था जहाँ पे आप ट्रेड मोमेंटम आया और इसी टाइम के आसपास आप ट्रेड ले सकते थे, वरना पूरा मार्केट जो था बस एसएल हंटिंग, इनडिसीजन कैंडल्स, नो प्राइस मोमेंटम एंड थीटा डीके वाला मार्केट था। समझते हमने यहाँ पे क्या किया और कैसे किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो फर्स्ट मूव था, फर्स्ट फॉल था 11:15 का, हम ये लिए नहीं या ले नहीं पाए या फिर हमने लेना क्यों नहीं सही समझा वो समझते। अब ये ट्रेड क्यों बना, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक डब्ल्यू डब्ल्यू का पैटर्न बना था, यहाँ पे डब्ल्यू बना और डब्ल्यू का फेलियर हुआ। अब समझते हैं यहाँ पे लेते तो क्या होता। पहला फेलियर हुआ, यहाँ पे आप एंटर करते यूजुअली यहाँ से गिर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसएल का। सेकेंड टाइम फिर से आया, कन्फर्मेशन मान लेते हैं ये, आप अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते तो आपको यहाँ पे वापस एंट्री मिलती और आपने लिया होता, दूसरे बार भी एसएल का था। लेकिन जब ये थर्ड टाइम क्रॉस किया, अगर जो ये डब्ल्यू का नेक लाइन है उसे ब्रेक करके मार्केट क्रैश कर गया या बहुत अच्छी रैली कर गया, तो अगर इसे लेने की कोशिश करते तो ये आपसे छूट जाता बिकॉज ये जो कैंडल बनी है, ये लेवल जो क्रॉस हुई, आप लेते लेते तो प्राइस यहाँ पे जा चुका है। 1 मिनट की कैंडल पे प्राइस इतना बड़ा बनाए तो सोचो 5-15 मिनट पे तो इम्पॉसिबल होता ट्रेड लेना, और आते से ही ये सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल था ये पुट का ट्रेड लेना। हाँ, वापस कहाँ पे लिया जा सकता था, यहाँ पे वापस ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप शॉर्ट करते तो प्रॉब्लम क्या होती बता दो। प्रॉब्लम ये हो सकती थी कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब बेसिकली लोगों की एंट्री जो ब्रेकआउट पे हुई, यहाँ ब्रेकआउट पे हुई, जब भी लेवल ब्रेक करता है बहुत चांसेस है मार्केट लिक्विडिटी लेकर ऐसे लैंड कर सकता है। और जो ब्रेकडाउन आया काफ़ी स्लो एंड स्टडीली आ रहा था, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन होती थी, इनडिसीजन कैंडल साइडवेज होते जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यूजुअली मार्केट क्या करता है ऐसे टाइम पे एक एसएल हंटिंग वाला मूव देता है और फिर गिरना शुरू करता है। सो मेरा प्लान था कि चलो यहाँ पे एंटर नहीं करते, स्लो सेलिंग आ रही है, देख सकते हो यहाँ पे स्लो सेलिंग है, इसको एक ऊपर आने देते और फिर लोगों के एसएल खाने का दम पुट लेंगे, जो कि हमने आज किया और सेम ऐसे प्लान फॉलो किया और उससे टारगेट भी हिट हुआ। कब हुआ वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ अलग बिहेव किया, मार्केट ने स्लो सेलिंग देते देते फिर बहुत फास्ट मूव दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, लेकिन मार्केट ने जो है सारे लेवल स्ट्रेट तोड़ते चला गया। सो मॉर्निंग सेशन हम देखते रह गए। उसके बाद हमने ये देखा कि मार्केट अच्छा डाउन ट्रेंड जा रहा है और मार्केट का जो मेजर सपोर्ट है 15 मिनट पे वो काफ़ी दूर है, मेजर सपोर्ट 19,250 का है, तो क्यों ना हम ट्रेंड के साथ बने रहे और ये वाला टारगेट पकड़े जो कि 19,250 था, जो कि मेजर सपोर्ट था। लेकिन हमने एंट्री ली, पहला ट्रेड लिया, हमारा जो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड चला गया बिकॉज प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे और मार्केट जो है स्लोली सेलिंग दे रहा था। ट्रेड कहाँ लिया गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन एफटीसी आपको पता है कैसे ट्रेंड कैप्चर किया जाता है, मार्केट ने लेवल तोड़ दी, मार्केट जैसे ही तोड़ा
लोगों की एंट्री हुई, लेकिन जैसे कि एटलीस्ट ये 15 पॉइंट गिर के, मैं सोचा ये गिर जाएगा 350 तक, बट मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू बना दिया। जैसे ही डब्ल्यू बनाया, एक और जो डब्ल्यू का ब्रेकआउट है मार्केट ने दिया, डब्ल्यू फेल हो गया और हमने जो है दोबारा ट्रेड प्लान करने की यहाँ पे कोशिश की। मतलब मैंने यहाँ पे बताया था कि जिसको लेना है यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा गिर सकता है। मार्केट गिरा लेकिन अगेन प्रीमियम कुछ भी बढ़े नहीं, फिर साइडवेज हो गया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा, हमने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया था। अगेन लॉजिक जो था वही था कि मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है और हमने ये जो ट्रेड है इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ले लिया था। सो समवेयर अराउंड 45 के आसपास यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। मार्केट नीचे आया, मतलब थोड़ा प्रीमियम बढ़ा, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर गया, 42 तक गया, 42 का लो लगा, लेकिन यहाँ से बाद में आकर टारगेट दिया तो काफ़ी बाद में ये 70 के आसपास चला गया। लेकिन बहुत सारे लोग एग्जिट कर चुके थे यहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड को निकाल चुके थे क्योंकि साइडवेज हो गया था। बहुत सारे लोगों ने एक स्टॉप लॉस लगाकर, 42 का स्टॉप लॉस लगाकर इसे होल्ड किया, बाद में ये 70 तक का टारगेट दे दिया। सो यहाँ तक का जो दिन था, कॉस्ट टू कॉस्ट जो ट्रेड्स काटने पड़ रहे थे, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। बट जब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन सी ब्रेक की, मुझे लगा कि अब ये बहुत सही हो सकता है, रिवर्सल आ सकता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से मार्केट ने जो FTC का सेटअप है वो बना और लिक्विडिटी लेकर अगेन रिवर्सल दे दिया मार्केट। अब यहाँ पे मेरा प्लान था कि मार्केट, अगर आप 15 मिनट पे देखोगे तो जब से एक ऑब्जर्व करना, ठीक है, दो चीज़ें थी। एक तो ये डे लो ब्रेक होना, ये जो 15 मिनट के जो लो था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होते से मार्केट में मान लो जैसे वॉल्यूम ही खत्म हो चुका है, मार्केट में बड़ा पैसा ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक होते से जो कैंडल बनी है उसके बाद सिर्फ 360 से 350 जाने के लिए मार्केट को 11:15 से 2, यानी 3 घंटे ऑलमोस्ट लगे सिर्फ 10 पॉइंट गिरने को, 10 पॉइंट ट्रैवल करने को। नो डाउट ये मतलब नीचे ऊपर कर रहा था, बट आप देख सकते हो मार्केट 10 पॉइंट ही नीचे आया था लास्ट 2 घंटे में और एक भी कैंडल प्रॉपर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे हम शॉर्ट कवरिंग के लिए। अब मार्केट देखो, व्यू एनालिसिस एक पार्ट होता है, उसमें एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट करना अलग पार्ट होता है। अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग किया जा सकता था, लॉन्ग करना चाहिए था, बट फिर जैसे आपने देखा यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गया और फिर मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होता है क्योंकि आप जैसे मार्केट देख रहे थे साइडवेज चला गया है, ब्रेकआउट दिया, तो एक आपको एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब मैं बाय कर सकता हूँ। सो हम वो लेवल का वेट कर रहे थे बिकॉज हो सकता था मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम बाय करते और यहाँ से मार्केट फिर गिर सकता था या पूरा दिन साइडवेज हो सकता था। सो एक जब आपके इनिशियल पहला दूसरा ट्रेड इतना बड़ा रैली नहीं करता या आपका एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आफ्टरऑल पूरा साइकोलॉजी गेम है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। अब मैं ये ट्रेड जो है मैंने यहाँ पे दिया जो कि बहुत अच्छा रैली कर गया, सेम ट्रेड अगर मैं यहाँ पे दे सकता था, अगर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता था तो मैं यहाँ पे ट्रेड देता। अब उसके बाद मार्केट बैक टू बैक ग्रीन 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 कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया और ट्रेड में कहीं हमको एंट्री ही नहीं मिली, कोई सारे रेजिस्टेंस वन गो में तोड़ दिया। बट अब हम प्रिपेयर्ड थे, अब मैं प्रिपेयर्ड था क्योंकि मैंने जब देखा, एनालिसिस किया, मुझे यह समझा कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेकर ऊपर क्लोजिंग दी। अभी इसका डायरेक्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस 420 है, तो अभी हमें 420 तक रुकना ही नहीं है, मतलब 420 का टारगेट लेकर बैठ जाना है। मार्केट वैसे बाद में 450 तक चला गया जो कि डे हाई के पास ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी, बट हमारा जो मेजर टारगेट था वो ये स्विंग था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, मार्केट को देखा, ऑब्जर्व किया और एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दी, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन फर्स्ट ब्रेक हुई थी, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दी। अब हमने यहाँ पे प्रीमियम ऑब्जर्व किए, मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी गया ऊपर और प्रीमियम में यहाँ पे बहुत गंदा सा स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया। बट यहाँ पे मार्केट ने जब स्टॉप लॉस हिट किया, प्रीमियम जो है बिल्कुल बढ़े नहीं और तुरंत गिरने लगे और मार्केट वापस ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आई, ये बिहेवियर मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया, जब अगर किसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है और उसका प्रीमियम पहले नहीं बढ़ रहा और एकदम से मार्केट वापस उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे, उस टाइम प्रीमियम डबल स्पीड में बढ़ते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में हमने जस्ट ऑब्जर्व किया, ट्रेड नहीं लिया, जो पहला पुल बैक था, अगेन पुल बैक बहुत ही फास्ट आया। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ, जब ये लेवल ब्रेक हुई, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, अब इसको नीचे गिरना चाहिए, राइट, इसको नीचे गिरना चाहिए, बट इसने क्या किया, लोगों के सिर्फ स्टॉप लॉस का है और ऊपर आके क्लोजिंग दे दी। तो हमने क्या किया, जैसे ही ये लेवल क्रॉस हुई,
हमने यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हो सुन सकते हो। एम भी थोड़ा फास्ट बढ़ सकते हैं अपने, देखो आज के टारगेट्स जो है ना मेजर वो है 420 राइट, 420 मेजर टारगेट से प्रीमियम अभी फास्ट बढ़ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे प्राइस भी देखोगे 45 के आसपास हमारी एंट्री जो है, 45-46 के पास हमारी एंट्री प्लान हुई। मार्केट ने काफ़ी टाइम जो है इधर ही 45-46 के आसपास 2 मिनट तक मार्केट यहीं पे घूम रहा था आप देख सकते हो। और हमना हमारा जो प्रोजेक्शन था वो भी 420 के आसपास था। और बाद में जो मार्केट यहाँ पे देखो काफ़ी टाइम दिया और हमने एनालिसिस किया और बस बने रहे ट्रेंड में और मार्केट ने जो है वहाँ से रैली की और एग्जैक्ट 420 जो हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ तक हमें टारगेट दिए। अब अगर हम होल्ड करते तो हमारा पूरा प्रॉफिट जा सकता था, ट्रेलिंग एसएल जा सकता था क्योंकि मार्केट एंट्री पर आया 3 PM के आसपास और 3 PM पे वापस जो रैली है वो कंटिन्यू किया। अगर आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर स्ट्राइक प्राइस गलत हो तो आप मोस्टली लॉस कर देते हो। पर ये जब जो भी एनालिसिस है, सोचने का तरीका है, ट्रेड्स लेने का वे है, देखो जैसे हमारी एंट्री होने के बाद एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, टारगेट हमने ऑन पॉइंट हिट कर दिए, सारे ट्रेड में 2-2, 3-3 रुपये के एसएल है और इससे पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ऑन टॉप नॉच रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको मास्टर बंडल में सीखने मिलेगी कि कैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही होता है, ऑप्शन अल्टीमेट ऑप्शन में आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस के साथ खेला कैसे जाता है और ऑप्शंस डीके कैसे वर्क करते हैं, ट्रैप कैसे वर्क करता है, लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है, मेजर बाइंग सेलिंग जोन्स कैसे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जब आप कंप्लीट नॉलेज लेकर रखते हो, ना कि एक ऐसे ही टाइम पास में आप ट्रेड करते हो। तो उसके बाद मार्केट हमने 3 PM देखा नहीं और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे गया। सो दैट्स इट, ये हमारा जो था आज का ट्रेड था। और अगर आप कल के व्यू की बात करोगे, अगर कल का व्यू आप पूछोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो US मार्केट थोड़ा रिकवर कर रहा है। US मार्केट अभी S&P वगैरह थोड़ा बुलिश है, लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट की फिर ओपनिंग के हिसाब से देखेंगे तो डिपेंड करता है ओपन कहाँ होता है, बिकॉज अगर ऊपर ओपन होगा तो हो सकता है ये गैप फिल करने चला जाए और उसके बाद हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। मे बी मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर सकता है, एक ट्रेंड लाइन चल रही है सेलिंग की, तो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे चुका है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। सो डिपेंड करेगा मार्केट खुलता का है। अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल गया, क्योंकि अब US मार्केट तो जस्ट ओपन हुए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा US मार्केट क्लोजिंग कहाँ देता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलते हैं तो फिर वापस सेलिंग कंटिन्यू होगी और हमें 250 तक मार्केट जाता हुआ देखने मिलेगा। मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज खुले ताकि जो सेलिंग है उसका पूरा प्रॉफिट हमें मिले। बिकॉज अब देखो अगेन मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है, बायर को अच्छा पैसा मिला है, थोड़ा अगर साइडवेज या थोड़ा छोटा सा गैप डाउन खुलता है वापस पैनिक फॉल आएगा और मार्केट हमें 250 का टारगेट देता हुआ दिख सकता है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी सपोर्ट पे, बैंक निफ्टी तो आज साइडवेज था, कल भी बैंक निफ्टी हमें साइडवेज देखने मिल सकता है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी सेम निफ्टी जैसा प्राइस एक्शन बना है। बेसिकली अभी क्या चल रहा है, गिरा पुलबैक दिए, हो सकता है मार्केट वापस गिरे। सो अभी जैसे ट्रेंड चल रहा है 250 तक हम थोड़ा बेरिश ही रहे तो सही है, बट स्टिल हम एक मोमेंटम ट्रेडर है, जहाँ पे भी मोमेंटम मिले हम वहाँ पे प्रॉफिट करने की कोशिश करते ही है। सो कल लाइव मिलते हैं रेगुलर टाइमिंग पे 10:30 के आसपास। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।